हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल रेखा झा। रेखा झा पे मैं रेखा झा आप लोगों के साथ आज शेयर करने जा रही हूँ सम्मी प्लांट। सम्मी के पौधे को घर में लगाना होता है शुभ, इसके बहुत सारे फ़ायदे जानते हैं। इसके बाद से क्या फ़ायदे हैं मैं आपको अपने घर के सम्मी को दिखला रही हूँ, आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। ये हमारा बहुत पुराना प्लांट है, इसकी तने ऐसे हो रखे हैं, तो मैं बताती हूँ आपको इसके फायदे। भगवान शिव, गणेश, शनिदेव की कृपा के पात्र होते हैं जो इन्हें लगाते हैं। सम्मी पत्र को पानी के लोटे में डालकर शिवलिंग पर चढ़ाने से भगवान शिव होते हैं प्रसन्न। मान्यता है कि कालिदास को ज्ञान इसी पेड़ के नीचे मिला था, इसी पौधे के नीचे मिली थी। महाभारत में पांडव भी इसी पौधे के नीचे पूजा करते थे। ऐसी मान्यता है कि इस पौधे को पूजा नवरात्रि के विजयादशमी के दिन की जाती है, जो मैं करती हूँ। उस दिन इसकी पूजा अवश्य ही करनी चाहिए और पूजा के बाद इसके एक दो चार पत्तियाँ, फूल और एक दो सिक्के लाल कपड़े में बांधकर उसे अपनी तिजोरी में रख देनी चाहिए, जिससे लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। और नवमी के दिन इसमें लाल कपड़े जरूर बांधना चाहिए और अच्छे से दीपक जलाकर तुलसी सम्मी की पूजा करनी चाहिए। गणेश जी इसके इसे बुधवार को लगाने से गणेश जी बहुत प्रसन्न होते हैं और परिवार के सदस्य में बुद्धि के साथ साथ बच्चों की पढ़ाई में अग्रता भी बढ़ती है। नवग्रह शांति के लिए ये इस पौधे को जरूर लगाना चाहिए। ये सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए तथा शनि की साढ़े छाती एवं शनि की ढैया के दोष को समाप्त भी ये कर देते हैं। इसमें विष्णु भगवान को भी इसे अर्पित करना चाहिए। शनिवार को सरसों के तेल के दीपक जलाने से कोर्ट कचहरी मुकदमा से भी इसमें बचा जा सकता है। इसके बहुत सारे फायदे हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार भी इस पौधे को अपने घर में ज़रूर ही लगाना चाहिए और इसे लगाने के घर के बाहर इसे मुख्य द्वार पर लगाना चाहिए और घर से निकलते वक्त इसके मतलब राइट साइड होना चाहिए। मुख्य द्वार में जैसे आप निकलते हो इसे राइट साइड होना चाहिए घर से निकलते टाइम, और अगर आपको वहाँ जगह नहीं है तो आप छत पर भी लगा सकते हैं। हाँ, इसे पूर्व दिशा में आप लगा सकते हैं और साउथ दिशा में भी आप दक्षिण दिशा की ओर आप इसे लगा सकते हैं। इसकी पूजा रोज करनी चाहिए, तुलसी माँ की तरह ही इसकी श्रद्धा से साफ़ सुथरे जगह में रखना चाहिए और इसे रोज़ दीपक और जल दें। आपके घर में खुशहाली, सुख, समृद्धि, शांति जरूर से ज़रूर बनी रहेगी। उम्मीद है मुझे कि आप सबको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा और मेरा प्लांट कैसा है ये आप ज़रूर बताना। लव यू नेचर, सो ऐसे प्लांट को आप ज़रूर लगाना। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो। एंड लास्ट टाइम मैं कहना चाहूँगी कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन्हें थैंक यू थैंक्स ए लॉट। और जिसने नहीं किया है उससे रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ऐसे वीडियो मैं नेक्स्ट टाइम लाऊंगी। इसकी बहुत सारे गुण अभी मैंने नहीं बताए हैं तो ये वीडियो बड़ा हो जाएगा। सो थैंक यू, थैंक्स, बाय।